नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा तांबे के सिक्के के कुछ उपायों की। तांबे के सिक्के के उपायों के से लेकर बहुत लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, हमें तांबे के सिक्के का प्रयोग क्या हुक लगा कर करना चाहिए, तांबे का सिक्का कौन सा लेना है, एक तो होल वाला आता है और एक बिना होल के आता है, किस समय पर कौन सा लेना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। ये दोनों किस ग्रह से संबंधित होते हैं, क्या लॉजिक है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती रहें। तांबे के जो सिक्के हैं मुख्यतः दो तरह के आते हैं, एक तो ये है जो होल वाला है और एक आता है बिना होल के। ये देखिए, बिना होल के। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो बिना होल के तांबे का सिक्का आता है ये प्रॉपर सूर्य से संबंधित माना जाता है। माना जाता है तांबा जो धातु है वो सूर्य की है, और जो इसकी गोलाई होती है दोस्तों, ये जो गोलाई होती है ये बुध से संबंधित मानी जाती है। तो जब भी पत्रिका के अंदर आपका सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा हो, या सूर्य कोई ऐसा प्लेनेट ख़राब कर रहा हो जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दे रहा है, तो उस स्थिति के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं प्रयोग, इसको हम दो तरह से यूज़ करते हैं। ये जो आपका बिना होल का सिक्का है, इसको या तो जल प्रवाह किया जाता है या मंदिर में दिया जाता है। कुछ लोग इसी के अंदर एक हुक लगा लेते हैं और फिर इसको गले में डाल लेते हैं, तो वो सही प्रोसीजर नहीं है। इस पर जो हुक लगाया जाता है, जब इस पर टांका लगेगा तो हम मान के चलते हैं कि उसके अंदर मिक्सिंग हो गई। बुध से जो टांका भी होता है वो भी बुध से संबंधित माना जाता है। तो हम यहाँ पर सूर्य की मिक्सिंग किसी और प्लेनेट के साथ नहीं करते हैं, इसीलिए इसे गले में नहीं डाला जाता। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसको दो तरह से यूज़ करना है, या तो जल प्रवाह करने के लिए या मंदिर में देने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए सूर्य है आपका खाना नंबर 10 में। जब भी सूर्य खाना नंबर 10 में होता है, खाना नंबर 10 जो है वो शनि का घर माना जाता है, तो ये माना जाता है कि सूर्य अपने फलों में कुछ ना कुछ कमी कर देता है। अगर आपको सरकार से संबंधित समस्याएँ आ रही हैं, या खाना नंबर 4 खाली है आपका, खाना नंबर 2 खाली है, उस केस में ये माना जाता है कि सूर्य सोया हुआ है। ऐसी स्थिति में ये वाला जो सिक्का है, ये एडवाइस किया जाता है एक सिक्का रोज़ आपको जल प्रवाह करना है 43 डेज लगातार। ये कार्य आप किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं, चतुर्थी नवमी चौदस नहीं होनी चाहिए उस दिन, तो आप ये 43 डेज जल प्रवाह कर दीजिए। इसी तरह से मान लीजिए बृहस्पति है खाना नंबर 10 में। बृहस्पति जब भी खाना नंबर 10 में होता है, हम ये मान के चलते हैं कि बृहस्पति अपने फल कहीं ना कहीं कम कर देगा, क्योंकि खाना नंबर 10 काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति नीच का माना जाता है। अब मान लीजिए खाना नंबर 10 में बृहस्पति है, बृहस्पति के अच्छे फल नहीं मिल रहे, ऐसे में पहली बात तो हम ये सजेस्ट करते हैं उस व्यक्ति को जो कंसल्ट कर रहा है कि चुस्ती चालाकी, क्योंकि खाना नंबर 10 जो है वो शनि का घर है, चुस्ती चालाकी से कार्य करे। और जब जब वो कोई भी पब्लिक वेलफेयर, भलाई के काम, लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ करेगा, तो कहीं ना कहीं उस पर इल्ज़ाम भी लगेंगे और उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अपने काम से काम रखो, शनि की चुस्ती चालाकी से चलो। और दूसरा कार्य आपको ये करना है कि ये जो तांबे का सिक्का है बिना होल वाला, इस पे केसर लगाकर 43 डेज, अगर जल प्रवाह करना आपके लिए संभव है, 43 डेज लगातार जल प्रवाह करिए। शुरू करना है बृहस्पतिवार से। मान लीजिए अब आप कहते हैं कि सर, जल प्रवाह करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर ऐसा करना चाहिए कि इसी सिक्के पर केसर लगा के आप इसे धर्म स्थान में 43 डेज लगातार दे सकते हैं, तो बृहस्पति के जो फल हैं वो इम्प्रूव होते चले जाएंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए शुक्र है खाना नंबर 8 में, मान लीजिए शुक्र खाना नंबर 8 में है, हो सकता है सूर्य भी साथ हो, शुक्र खाना नंबर 8 में अगर अच्छे फल नहीं दे रहा, शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कहते हैं कि तांबे का सिक्का आप गंदे नाले में 43 डेज लगातार गिराएं,
स्टार्ट करें आप इसको फ्राइडे से। तो इस तरह से इसका उपाय किया जाता है। अब मान लीजिए सूर्य खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 10 में कोई भी ग्रह नहीं है, तो सूर्य को भी इम्प्रूव करने के लिए 43 डेज तक लगातार इस सिक्के को जल प्रवाह कराया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो सिक्का है, तांबे का जो सिक्का है बिना होल के, उसको किस तरह से प्रयोग करा जाता है उपायों में। अब बात करते हैं वो सिक्का जो होल वाला है। ये देखिए इसके अंदर बीच में होल है। अब ये जो होल है, ये होल वाले सिक्के को हम मान के चलते हैं कि ये सूर्य और बुध से संबंधित है, क्योंकि बीच में ये खाली जगह आ गई और गोलाई आ गई, बुध की आ गई वो। अब इसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए बुध है खाना नंबर 5 या खाना नंबर 11 में। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ, बुध खाना नंबर 5 में है या खाना नंबर 11 में है, और बुध के रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। अब बुध के रिज़ल्ट कैसे अच्छे नहीं मिल रहे, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध आपका वाणी है आपकी, बुध आपके दिमाग से संबंधित है, बुध आपकी नसों से संबंधित है, दांतों से संबंधित है। अगर इसमें समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत वीक है, माता पिता कहते हैं कि जिस समय पर लिखना होता है उसके दिमाग में सब कुछ है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता या कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या आपकी जो दुकान है आप कहते हो कि सर मेरे से ना झूठ बोलकर या टैक्टफुली हैंडल करके मुझसे ना प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा, तो कहीं बुध ख़राब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बुध को इम्प्रूव करने के लिए खाना नंबर, और ख़ासकर तब जब बुध खाना नंबर 5 में है, खाना नंबर 11 में है। अब 5 और 11 क्यों कहा, जो 5वां घर है वो बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है, इसी तरह से 11वां घर जो है वो बृहस्पति और शनि का माना जाता है। तो अगर बुध के फल खराब हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो सिक्का है ये आप एक सिल्वर के थ्रेड में गले में डाल सकते हो, एक रास्ता। या दूसरा रास्ता ये है, चांदी की चेन ले लीजिए, उससे गले में डाल लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर इसमें हुक लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर हुक लगा सकते हैं। कई लोग तो इसको सिंपल सा ये है कि इसके अंदर पिरोया आपने धागा, जो मैंने अभी आपको बताया रेशम का धागा डाल लीजिए, वाइट धागा ले लीजिए, वाइट धागा भी ले सकते हो, लाल धागा भी ले सकते हो, हुक भी लगा सकते हो इसके अंदर, और ये गले में डाला जा सकता है। ये वाला सिक्का गले में डाला जाता है, जो दूसरे वाला सिक्का है ये सिक्का गले में नहीं डाला जाता दोस्तों। तो इस तरह से बुध अगर खाना नंबर 5 या 11 में है तो उस समय पर ये उपाय किया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए बुध है खाना नंबर 1 में या खाना नंबर 12 में और बुध के रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, जैसा मैंने अभी आपको लक्षण गिना दिए। अच्छा, बुध से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं, बहन, बुआ, बेटी, साली, अब उनके साथ भी रिलेशंस आपके अच्छे नहीं चल रहे, तो इसका मतलब बुध कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। बुध व्यापार का भी कारक है और व्यापार पे भी असर आ रहा है। बुध वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। आप कह रहे हैं सर कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं हो रही, तो लक्षण से तो पता चल ही गया कि बुध ख़राब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर खाना नंबर 1 में हो या 12 में हो, तो भी इस जो सिक्के को आप, ये वाला सिक्का जो लीजिए, इसके अंदर या तो रेशम का सफ़ेद धागा ले लीजिए या नॉर्मल लाल धागा ले लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं इसको चांदी की चेन में, गोल्ड की चेन अब आप डालते हैं, आप उसके अंदर डाल लीजिए। ये सिक्का आपके बुध के रिज़ल्ट, क्योंकि इससे क्या होगा, इस सिक्के से क्या होगा, सूर्य, तांबा जो है वो सूर्य है और ये जो होल बीच में हो गया, गोलाई जो इसकी है वो बुध की है, तो सूर्य और बुध दोनों के रिज़ल्ट, और जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। तो आपके सूर्य के भी फल अच्छे हो जाएंगे, बुध के भी फल अच्छे हो जाएंगे, और सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो मंगल भी नेक हो जाता है। तो अपने आप ही जो आपके रुके हुए काम थे बहुत समय से, आप कर्ज आपने लिया हुआ था वो कर्ज पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो ये सिक्का डालने से आपको ये लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से एक बार परामर्श ले लें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।